नमस्कार, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूँ किरण। मैं आज बनाने जा रही हूँ मैगी मंचूरियन। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए रेसिपी को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने मैगी नूडल्स का बड़ा पैकेट लिया है, आप छोटा पैकेट भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे घरों में हम मैगी बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी सेम प्रोसेस से हमें मैगी बना लेना है। पानी को गर्म कर ले फटाफट, इसमें हम टेस्ट मेकर डाल देंगे और मैगी डाल देंगे और इसे हम हल्का सॉफ्ट होने तक, मतलब सॉफ्ट होने तक हमें पकाना है और उसके पूरे पानी को हमें सुखा लेना है। यहाँ पर मैगी हमारा बनकर रेडी है, तो इसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये ठंडी हो जाए। तो ये जो मैगी है हमारी ठंडी हो चुकी है, तो इसे हम अलग से बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और उसमें हम कटी हुई हरी मिर्च और कटी हुई बारीक प्याज को डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। यदि आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसमें मैदा भी डाल सकते हैं। फिर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हमें हाथों से अच्छे से मैश कर लेना है। तो ये जो मैगी है थोड़ी हल्की हल्की स्टिकी लग सकती है, लेकिन इसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी मैगी नूडल्स है वो अच्छे से मिक्स हो चुकी है, तो अब हम इसके बॉल्स बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करें, आप अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर ले ताकि ये जो मैगी का बॉल्स है ये हमारे हाथों में चिपके नहीं। इसके बाद हम छोटे छोटे इसके मंचूरियन या फिर बॉल्स तैयार कर लेना है। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मैगी को बचा करके रख लिया था, तो इस सूखे हुए मैगी में हम इसे कोट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने मैगी बॉल्स को तैयार कर लिया है। तो इसी तरीके से हम अपने सारे मैगी बॉल्स को या फिर मंचूरियन को हम बना लेंगे। तो अब देख सकते हैं हमने सारे मैगी बॉल्स बना लिए हैं, तो अब हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे। तो हमें इसे डीप फ्राई करना है, शैलो फ्राई नहीं करना है, और इसे हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन यानी कि अच्छे से लाल होने तक हमें इसे तेल में तल लेना है। तो यहाँ पर जितने भी हमारे मैगी के मंचूरियन थे ये अच्छे से लाल हो चुके हैं, तो अब हम इसे तेल से निकाल देंगे। इसके बाद हम उसी सेम पैन में 1 चम्मच हम तेल डालेंगे। उसके बाद हम इसमें कटा हुआ लहसुन और अदरक डाल देंगे। तो जितने भी चाइनीज़ खाने होते हैं उसमें जो है लहसुन और अदरक बहुत ज़्यादा जाता है, तो लहसुन अदरक को हम हल्का सा सौते कर लेंगे, इसे ज़्यादा भूनना नहीं है। इसके बाद हम मोटे पीसेस में कटी हुई प्याज और शिमला मिर्च को डाल देंगे और इसे हम हाई फ्लेम पर लगातार 1 मिनट तक हमें भूनना है। इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच या फिर 1 ढक्कन विनेगर डालेंगे, 1 चम्मच सोया सॉस हम डाल देंगे, 1 चम्मच रेड चिली सॉस डालना है और 1 चम्मच हम टोमेटो सॉस से भी टोमेटो केचप हम डाल देंगे और स्वाद के अनुसार थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और तुरंत हम इसमें पानी को ऐड कर लेंगे। पानी आप अपने हिसाब से डालें, यदि आप इसे सूखा रखना चाहते हो तो पानी थोड़ा कम डालें। तो इसमें हमारा बॉयल आ चुका है, तो अब हम इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर हम डाल देंगे। ये जो कॉर्नफ्लोर का घोल है ये थोड़ा सा ग्रेवी को थिक करने के काम में आता है। तो ये जो हमारी ग्रेवी है ये बॉयल हो चुकी है, तो अब हम इसमें फटाफट अपने मैगी मंचूरियन को हम डाल देंगे और इसे 1 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। तो ये हमारी जो मैगी मंचूरियन है बनकर रेडी है, तो इसे हम अलग से प्लेट में निकाल देंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।